मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में आपातकाल की संघर्ष गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में एक साथ कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस सम्मेलन में सीएम ने ऐलान किया कि पाठ्यक्रम में आपातकाल की संघर्ष गाथा को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र को बचाने वालों ने किस तरह से संघर्ष किया था, उसे आज की पीढ़ी को बताना जरूरी है। इसी के साथ लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के सर्किट हाउस में 50% रियायत पर आवास सुविधा 3 दिनों तक मिलेगी। बाकी के सेनानियों को सम्मान स्वरूप ताम्र पत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं मीसाबंदियों के बच्चों और परिजनों को उद्योग और निवेश की योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। मुझे इस बात की आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी लोकतंत्र सेनानियों का बड़ा कार्यक्रम हुआ। मेरी अपनी ओर से सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, अभिनंदन और उनका अपने इस एसोसिएशन के बैनर तले स्वागत किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े संघर्ष में उनकी भूमिका को इतिहास सदैव स्मरण करेगा, याद रखेगा। इसी अवसर पर मेरे द्वारा उनके द्वारा चाही गई मांगों को भी माना गया, जिसमें हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों को भविष्य में किसी कारण से उनका शरीर छूटता है, भगवान न चाहे, लेकिन उसके बाद भी अगर उनका अपना शरीर छूटेगा तो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से, जैसे अन्य गणमान्य नागरिकों के संबंध में होता है, इसी प्रकार से सम्मान उनको भी दिया जाएगा। अंत्येष्टि के समय दी जाने वाली राशि 8,000 से बढ़ा के 10,000 करेंगे और अलग अलग प्रकार की जितनी उन्हें मांगे की गई, मैंने सभी मांग मानने की घोषणा की है। मेरी अपनी ओर से उस लोकतंत्र के महान संघर्ष के सेनानियों का स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद ऐसा कालखंड कभी आया नहीं। आजादी के बाद जून 1975 25 जून वो मनहूस दिन है कि जिस दिन हिंदुस्तान की लोकशाही समाप्त करके सारे संवैधानिक मानदंडों के बाहर जाकर के एक आदमी की हुकूमत बनी रहे, इसके लिए तानाशाही स्थापित कर दी गई। तो हमारा ये कहना कि राजनीति में ये फेज भी आया, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाना चाहिए और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे प्रमाणित लोकतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी, विचारक या कहें कि डेमोक्रेसी की लेबोरेटरी थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और उस उम्र में उनने दोबारा दूसरी आजादी स्थापित की उनकी जीवनी, ये अपने पाठ्यक्रम में शामिल होना ही चाहिए ताकि लोक चेतना नई पीढ़ी में जाती रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।